जी मेरा नाम है। कौन सा नाम है? अच्छा लेहू कला ये हमारा बज ले रहा है जिन जिन हम तो बिनचारी से बनवाएंगे हुक्का रे वाड़ी सा आया है अपना शॉप के ऊपर बनवाए थे बस। पिताजी का क्या नाम था? कब मोहम्मद हनीफ गुजरे? वो 3 साल से ऊपर हो गई है वो शौक ही अपन बस वाजो एक समझ में आ जाए वही ले आवे जो हुक्म मिले बढ़िया हुक्म ले आवे चिलम मिले जहाँ चिलम बढ़िया ले आवे हो जहाँ शौक पूरा करो चाहे कितने पैसे दिहलीस कोई वही नहीं वाजो कितना कोई आवे कितना कोई नहावे चाहो बढ़िया किस तरह से आप संभाल के रखते हैं? तरह हिफाजत से रखा हूँ उसके भाई। तो आने वाली पीढ़ी देख सकते हैं। हाँ भाई इनके पीठ इनके अब इनके हाथ में कैसे रखेंगे पीछे पीछे ये हुक्का है जी रेवाड़ी से हुक्का आया जी है बिनचारी चिलम आई है सारी खट्टी जोड़ हाँ इनका सातून का एक वहां में नाली में सब सातून में एक नाली में कनेक्शन इनको पूरे धुआं निकला इनमें और जब 14-15 हजार रुपया की आई जब तो ही ब्याह शादी में भी जावा हाँ ये देखो आवे हमें गण 10 किलो 12 किलो पानी आवे हमें और वजन भी हमें बहुत 14-15 किलो वजन बन जावे हमें और या पानी वानी बस भरा चिलम विलम भर के जब तो घणो वजन बन तो लगे हमें वो 30 से 35 किलो वजन बन जावे हमें। कितने साल हो गए इसे बने? 2014 में आए ये ले आए हुई 2014 में आए हुई जानना बहुत बढ़िया तरह रखा हमें आज 500 धो पूछ के नहीं यादगिरी रही हमारे बाप की बस। अरशद अरशद भाई, 7 किलम का हुक्का है, किस हाँ जी देखो तरह से, कैसे पता चला, कहाँ से, कौन लेके आया था? अच्छा, जी हमारा बाप है जो है 3 भाई हैं और हाँसों के बाजे हैं हाँसों बास में ही हुक्को है और जो हमारे बड़ो 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 बाप हनीफ मोहम्मद हनीफ उसने बनवाया था ही रेवाड़ी से लेकर आया था इसको वह और वही वह शौकीन नाव ही जो शौक कर तो बड़ी बड़ी चीज पलंग भी बनवा रखे हैं उसने हुक्का भी है ताड़ो भी है तस्बी भी है और खासियत कहा इसमें एक जैसे इसको भरते हैं सातु चिलमन में अलग अलग तमाकू रखा जाता है और जब एक साथ में जोंट हुई पड़ी है जोन ठोकर एक 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 संग धुआं निकलते हैं इसके और कितना पानी किस तरह से आता है? इसमें पानी आ जाता होगा 15-20 किलो पानी आता है और पूरी ये तवा बनी पड़ी है। अरे इसी यहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं जो दुनिया से चले गए उसकी याददाश्ती में रखा हुआ है किसी दिन हम भी चले जाएंगे फिर हमारी औलाद रखेगी तो ठीक है ना तो भाई इसमें रखेंगे इसे शोक के मारे रख रखा